इमरान खान साहब की मैं एक यहाँ शेयर करना चाहूंगी जो मेरी आखिरी मुलाकात उनसे हुई जब यहदम एतम की तहरीक पेश हुई उन्होंने मुझे बुलाया मैं उनको मिलने गई बनी गाला में जनाब स्पीकर मैं फिर से यह सवाल करना चाहूंगी कि आपकी कौन सी किताब में लिखा है लिखा है तो उसको तब्दील करें मैं यहाँ यहां हम लोग मैं आप सब से ये रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आयन में कहीं लिखा है कि उनको इजाजत है कि वो किसी भी आम इंसान को ये सर्टिफिकेट दे दें नाउस बिल्ला जो लकब सिर्फ मेरे आका का है मोहम्मद सादिक और मोहम्मद अमीन नाम रखने से कोई सादिक अमीन नहीं बन जाता जनाब स्पीकर मेरी समझ से बाला तर है कि आकाशलम का लकब किसी आम इंसान को कोई दे कैसे सकता है चाहे वो कोई भी हो चाहे उसकी गवाही पूरी दुनिया ही क्यों ना दे वो मेरे आका लकब है जनाब स्पीकर इमरान खान साहब की मैं एक यहां शेयर करना चाहूंगी जो मेरी आखिरी मुलाकात उनसे हुई जब यदम अहतमाद की तहरीक पेश हुई उन्होंने मुझे बुलाया मैं उनको मिलने गई बनी गाला में प्राइम मिनिस्टर थे वो उस वक्त मैं ये बात बाहर मीडिया के सामने भी कर सकती थी मैं अपनी वीडियो बयान भी जारी कर सकती थी यहाँ इसलिए कर रही हूँ ताकि किसी के दिल में कोई शक ना रहे कि मैं यहाँ इस छत के नीचे खड़े होकर इस मौजूद ज़बान में झूठ बोलूँ शाह महमूद क्रैशी साहब आमिर डोगर साहब आसमा कदीर साहिबा मौजूद थे कि जो हमें आज इल्ज़ाम लगा रहे हैं और कह रहे हैं मुझे इन्होंने कहा आपके मैं आपको बिल्कुल मनन वो बात बता रही हूँ जो मेरी इनसे वो आखिरी मीटिंग हुई मैं उस वक्त तुर्की के दौरे से वापस आई थी इन्होंने कहा आप अपोजिशन से रबते में हैं मैंने कहा जी हूँ मुझे कहते हैं आप किस किस से मिली हैं हमने सुना है फलां फला ने आपको अप्रोच किया मैंने इनसे कहा जी आपके पास शायद कम बंदों के नाम हैं मुझे फलां ने भी अप्रोच किया मैंने इनको झूठ नहीं बोला मैंने इनको सच बताया क्या महमूद कुरैशी साहब इस बात के गवाह हैं आमिर डोगर इस बात का गवाह है वो कर जाए तो और बात है फिर मैंने उनसे कहा मैंने कहा मुझे आपसे बहुत शिकायत है कहते हैं आपको जाती शिकायत है मैंने कहा नहीं सर जाति नहीं है जाति होती तो जब जाति तो क्या है किस लिए बैठी हूं मुझे जब चार साल गुजर गए हैं मुझे अपने हल्के और बहुत से लेकिन इस टाइम मैं आपको मनो स्पीकर साहब वो बात बता रही हूं जो मेरा उनके दरमियान बात हुई मैंने कहा मैं इस टाइम आप खान साहब इस टाइम टाइम नहीं है आप मुश्किल में है कि मैं आपको शिकायतें सुनाऊ बैठ के हाँ लेकिन मैं अपोजिशन की हम ख्याल भी हूं मैं उनसे मुलाकातें भी करती हूँ कोई जुर्म भी नहीं है क्योंकि आप सब लोग करते हैं तो मेरा कोई जुर्म नहीं है वोट की बात हुई उन्होंने फरमाया कि अच्छा ठीक है आपने हमें बताया सच मैंने कहा नहीं मैं आपको पूरा सच बता देती हूँ शायद किसी आदमी में भी इतनी हिम्मत ना हो मैं आपको बताती हूं और शायद मैं आगे भी मिलूँ मैं आपसे नहीं करती हाँ मैं एक बात आपसे वादा करके जाती हूं क्योंकि मैं आपको वालद साहब की तरह हमेशा आपकी इज्जत की है अभी भी करती हूं कि मैं वोट आपके खिलाफ कास्ट नहीं करूंगी बेशक ये मेरा आईनी हक है मैं कर भी सकती हूं लेकिन ये अल्लाह ताला और उसके रसूल के करम से मेरी माँ बाप की दुआओं से आप वसीला बने हैं और ये सीट मुझे आपने दी आप मुझे हमेशा कहते हैं तुम्हारी मेहनत के नतीजे में तुम्हें ये हमने नवाजा है जो बाद में हमें तोहफे सुना रहे थे तो मैंने उनसे ये कहा कि मेरा ये वादा ज़रूर है कि मैं आपके खिलाफ वोट कास्ट नहीं करूँगी ये मेरी उनसे बात हुई और मैं उठ के वहाँ से वापस आ गई जनाब स्पीकर मैं ये कहना चाहती हूं कि मैंने कौन सी खिलाफ वर्जी की कि मुझे आइन भी इसका हक देता है कानून भी देता है ज्यादा से ज्यादा क्या होता है मैं नाहल हो जाती तो फिर वो झूठ बोलते हैं आके मैं उनसे ये पूछना चाहती हूं कि ये जो हमें करोड़ों करोड़ों करोड़ का इल्जाम लगा रहे हैं साबित कर सकते हैं वो वो तो चार साल में मिया नवाज शरीफ की चोरी साबित नहीं कर सके जिनको वो कहते हैं शिदात बकर अकबर अब ये लेके आ रहे हैं अब ये हो रहे हैं अब ये एसेट रिकवरी यूनिट में पैसे आ रहे हैं अब फलाने की टीटियां आ रही हैं फला के साथ ये हो गया मुझे ये तो बताएं फिर कहते हैं कि करप्शन खुसर बख्तियार पर कोई केस नहीं है हाशिम जमा बख्त पे कोई केस नहीं है सिप्तैन खान पे कोई केस नहीं था अलीम खान पे कोई केस नहीं था जब ये थे उधर अलीम खान साहब अभी मैं कितनों के नाम लूँ जो नैब ज्यादा इनकी आदि ज्यादा कैबिनेट थी कितनों के नाम लू जो इंपॉर्टेंट कैबिनेट बनाई इन्होंने, फिर ये बातें हमें करेंगे मैं अगर खुशाब के अवाम की बात कर रही हूं और दो चार चीजों की बातें कर रही हूं और फिर ये कहते हैं कि ये लोटे हैं, तो वो जिनको लेके आ रहे हैं उनकी ये क्या तारीफ करेंगे उनको क्या कहेंगे ये उनको सोचना चाहिए जो पीटीआई में जा रहे हैं मैं इसीलिए कई बार यहां कह चुकी हूं पीटीआई में मैं हूं पुरानी पीटीआई के वर्कर्स में से हूं पाकिस्तान तरीके इंसाफ जो नजरिया था जिस पर आई थी पाकिस्तान तरीके इंतजार नहीं ये जो बाहर हो रहा है और ये जो कह रहे हैं कि ये बिक गए तो आपके पास जो आ रहे हैं वो कहां से आ गए क्या परवेज इलाई ने लोगों को पैसों की ऑफरें नहीं की इलेक्शन में सबूत है लोगों के पास